आजकल जो है वो अभी मैं कुछ ब्रांड्स के साथ काम करने लगी हूँ जिसमें हम कुछ फ़न फन, -फन ज़रा ज़रा वोक किस्म की चीज़ें मैं करूँगी जिस नहीं लाइक वैसी वोक नहीं यार बहुत सिंपल भाई आम, आप जितने भी आपके सैनिटरी बैड्स होते हैं उसके साथ मैंने मैंने उनको वे अप्रोच किया था उनमें से एक ब्रांड को मैंने कहा यार आप

मेरे मामू की दुकान थी जिसका नाम था एवरग्रीन मेडिकल स्टोर ठीक है अब जब बच्चे होते हैं ना तो बच्चों को जाहिर सी बात है तरबियत के लिए लगाना पड़ता है कि बेटा और मेरे यहाँ तो कॉन्सेप्ट है और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यार बच्चों को ना घर पे रखना ऐसा नहीं बच्चों को रगड़ा लगाना लगा, लगाना चाहिए और अपनी मौजूदगी में लगाना चाहिए गैर मौजूदगी में ही तो अम्मी ने बोला कि बेटा जाओ दुकान पर ठीक है और मामू के साथ खड़े हो चुंझलाई की छुट्टी है ना क्या कर रहे हो घर पर पारिक बैठे हो जाओ सुबह से रात तक तुम दुकान पर होगे ना मज़ा आ जाएगा अब मुझे तो उस चीज़ की समझ नहीं थी मुझे जहर लग रहा था यह डिसन अम्मी का <laughs> लेकिन क्या हुआ लगा दिया अम्मी ने अब मेडिकल स्टोर पर मैं सेल्स मैन मैं मैं सेल्स मैन हूँ मुझे पता है कौन सी दवाई कहाँ रखी हुई है और बाकी भी जो हम जिनको कहते हैं गंदी चीज़ है ठीक है जैसे कि क्या कहते हैं उसको हम लोग यार कॉर्डम्स को दूसरे कॉन्डम्स हाँ, दूस, के लिए दूसरा लफ्ज क्या है प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन हाँ. ये सारी चीज़ें ना ये कहाँ रखी हुई ये सारी चीज़ें मुझे पता थी अब अगर जैसे जैसे हम सैनिटरी पैड्स की बात करते हैं ठीक है मुझे नहीं पता था क्या होता है ऑफकोर्स मैं सिक्स क्लास में था सेवन क्लास में था मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था इस चीज़ का और मुझे क्वांटम्स का भी नहीं पता था बाकी चीज़ों का भी बिल्कुल भी नहीं पता था कि होता क्या है लेकिन मुझे ये पता था कि कौन सी दवाई पैनाडोल खाएँ बाकी सारी चीज़ें खाएं और मेरा काम था भाई देना अब एक शख्स आया उसने कहा कि ये जो है ये बेटा ये दे दो ठीक है इशारा उसने किया और मुझे जिस तरह से मशकूक तरीके से उसने दिया ना इस तरह से आप किसी से चर्च मांग रहे हो वो तरीका था वो तरीका था कि ये दे दो ना अच्छा मैं थैली निकाली डाला दिया और उस की हट गई उसने मेरे मामों को देखा क्योंकि वो तो रोज हर दूसरे तीसरे दिन आ रहे अपने घर के लिए लेने के लिए और मेरे मामों ने मुझे गाली दी उसने बोला क्या कर रहा है तू? क्युनी? मैंने क्युनी इसको? और मैं लिटरली मुझे तो लगा देखो मुझे मुझे बच्चों के पेम्पर में और इसमें डिफरेंस नहीं बता इसी की मुझे ये पेम्पर होंगे

ठीक है खैर मुझे मामू ने मामू का मुझे अभी तक याद है उन्होंने मेरे हाथ से थैली छीनी उन्होंने वो ऑलवेज़ का वो प्रोडक्ट छीना ठीक है और उन्होंने फौरन अखबार निकाला लपेटा दिया माजरत माजरत भाई माजरत अल्लाह अकबर ये गलत है बिल्कुल गलत है म, क्या आप क्या बताना तो चाह रहे हैं आप हर वक्त ये बोलते रहते हैं औरत कमज़ोर है मर्द ऐसा है अच्छा डिफरेंस है तो आप एक्चुअली जो डिफरेंस है जो नहीं है वो आपने बनाए हुए हैं अपने माइंड में और जो एक्चुअल डिफरेंस है उसको इग्नोलज करने में क्या मसला है क्या हो रहा है सो so, इस तरह के थोड़े से वोक चीजें करें जो डिजिटल पे हो सकती है जो टीवी पे नहीं हो सकती विद मॉर्निंग शो व्हिच इज कॉल्ड द ब्रेकफास्ट शो ऑन मसाला टीवी वी आर ट्राइंग टू डू दिस लाइक

मैं कोहोज थी इन अ वे बड़ा इंटरेस्टिंग सेटअप था कि हमारी जो ई थी उन्होंने बोला कि मैं चाहती हूँ एक फ्रेंड्स जैसा हम शो करें लेकिन लाइव कि वो एक हाउस ओनर है तुम उसकी दोस्त हो और यू ऑल्सो हैपन टू बी अ शेफ़ और तुम उसी घर में रहती हो और तुम ऐसी आई हो कि अच्छा भाई क्या बना हुआ बड़ा कैजुअल चलेंगी स्क्रिप्टेड होगा मगर दिखाएंगे कि जैसे कोई ड्रामा हो रहा है फिर हमारी एक हेल्पर थी Uh -huh. उसका नाम था बिजली uh -huh. वो एक एक्टर थी थिएटर थी, की एक्टर थी सो so, उसके थ्रू हम सोशल इश्यूज बताते थे, थे कि वो एक दिन फॉर इंस्टेंस आई उसने कहा कि बाजी मुझे मेरे मियाँ oh. ने मारा है क्या करूँ या मैं किसी को जानती हूँ और फिर हमारी एक नेबर आती थी जो कि गॉसिप टाइप की आंटी थी और वो हर एक हमें सेलिब्रिटीज़ के बारे में जो न्यूज देनी होती थी वो उस तरह से देती थी तो इट वॉज अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट फिर हमारा एक दिखाते थे कि अच्छा दरवाजा खुला फ्रेंड आया है आर्किटेक्ट है तो वो घर से मतलब हम टोटके और वो सब नहीं करते थे हम बिल्कुल एक डिफरेंट किस्म की थीम करते थे सो आई इट फॉर आई थिंक अ फ्यू ईयर्स विद एन ज़बरदस्त मतलब फुल पढ़ा लिखा शो होता था हमें हमारे सर पे कोई ऐसा डंडा नहीं था कि ये नहीं करो रेटिंग नहीं आ रही हम टारगेट ही थोड़ी सी लाइक नॉन मास जिसको आप कह सकते हैं नीच थोड़ा वो कि अब मुझे मुझे नहीं लगता कि कराची में बहुत सारे लोग जानेंगे उस उस शो से बिकॉज डॉन न्यूज़ एक पढ़ा लिखा तबका देखता है मासेस ज़्यादा नहीं देखती मुझे जायका से ज़्यादा लोग जानते थे और एच से भी ज्यादा लोग जानते थे See, I, I really love this thing about media. एक तरह का ये आर्ट है मुश्किल है लेकिन मैं सीख रहा हूँ मुझे थोड़ी बहुत चीज़ें आती हैं कि पढ़ी लिखी बात किसी कैसे समझान इंसान इन, को समझाना जिसको हम मासेस कहते हैं और ये बहुत मुश्किल काम नहीं है मेरी नज़र में हाँ। और ये इम्पॉसिबल भी नहीं है हाँ। अब ये डॉन टीवी और ये बाकी टीवी चैनल्स ने अपनी अपनी साइट्स पकड़ ली हैं और उनको लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता और ये बहुत मुश्किल काम है मुझे लगता है ये बहुत मुश्किल काम नहीं है मुझे ऐसा लगता है कि ये काम मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ भाई ठीक है और मैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ कनेक्ट होता हूँ जो कि मेरी बात नहीं समझते लेकिन आई एम ग्लैड कि इंटरनेट ने इतनी ज़्यादा पावर दे दी है और इतना एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन आ गया है कि अब एक ऐसे तबके से या ऐसे इलाके में रहने वाला बंदा जो कि चीजें नहीं समझता था और वो इतनी स्पीड से हो हो रहा है। हो रहा है है इतनी स्पीड से कि आप सोच नहीं सकती महीने पहले जो लोग सोचते थे आज वैसा नहीं सोच रहा है हाँ। ठीक है वो फॉरन इवॉल्व हो रहे हैं really, really आप इंटरनेट पर ये भी कह सकते हैं ना कि आपको वी ट्राइड विद दैम एक बड़ा इंटरेस्टिंग था आ, सीन कि डॉन पे मैं रमज़ान ट्रांसमिशन भी मैंने बड़ी होस्ट की हैं फुल दुपट्टापट्टा सप्तर बट आई आई टॉक अबाउट ह्यूमैनिटी रादर दैन रिलिजन बिकॉज मुझे लगता है कि वो हर एक हर कोई माइनॉरिटीज भी तो हैं ना भाई तो रिलेट, रिलेट कर सकती हैं है। है। तो एक बार एक ज़बरदस्त जो आपने बात की ना कि हम अपने स्टाइल में मासिस से रिलेट कर सकें तो उसकी एक बड़े मजे की एग्जाम्पल है कि एक बार एक कॉल आई शो में और um, उन्होंने बोला कि आपका शो जैसे होता है कॉल कि भाई आपकी शो बड़ा अच्छा है खाना खाना बड़ा अच्छा बनाया आपने या जो भी तो मैं अपने हस्बैंड के लिए बनाना चाहती हूँ तो आई वॉज लाइक कि बहुत अच्छी बात है कि आपका एक्सप्रेशन ऑफ लव है और आई एम श्योर तो मैंने कहा आपको खाने में क्या पसंद है तो उन्होंने कुछ बताया मैंने कहा कि आई होप आपके हस्बैंड भी इस तरह की कोई रेसिपी सीखे और आपके लिए बनाएं तो कहती हाँ एक्चुअली आपने बड़ा अच्छा आइडिया दिया है मैं अपने हस्बैंड को कहूँगी बिकॉज़ वो बार बार ये कह रही थी कि मैं अपने हस्बेंड के लिए सीखना चाहती हूँ सीखना चाहती हूँ सीखना चाहती हूँ like, यार जरा प्यार प्यार से करके देखती क्या होगा है, अब टी वी में से तो थप्पड़ नहीं आ सकता ना सो एंड इट वर्कड मतलब लाइक एटलीस्ट जो उनका रिएक्शन था उस चीज़ पर इट वर्कड और मैं अपने शो में आ, आ, जब न्यूज़ दे रही होती हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मैं ये बोलूँ कि पाकिस्तान की पहली द फर्स्ट वुमेन इन पाकिस्तान हु डिड दिस राइट सो फिर मैं बोलते बोलते ये कहती हूँ कि आई होप ये चीज़ इतनी नॉर्मलाइज हो जाए कि हम वुमेन कहना ही छोड़ दें इसमें से चाहे मर्द है चाहे औरत है किसी wow, को, very right. Good thought. Good thought. वो बड़े सटल आहिस्ता आहिस्ता प्यार प्यार से बिकॉज hmm. मुझे लगता है जब अगर कोई आपको देख रहा है चाहे वो किसी भी वजह से देख रहा हो hmm. जो एक होम मेकर है कि भाई आपके कपड़े या मेकअप या जो भी वंस दे स्टार्ट फॉलोइंग यू दैन दे एक्चुअली फॉलो यू in a different way like yeah, yeah. influencing with yeah so if one thing they can change in them themselves